भादो मास की अष्टमी अंधेरी रात, बादलों का गर्जन, बिजली की चमक, यमुना मैया अपने पूरे उफान पर थी। ऐसे में देवकी और वासुदेव बंद हैं कंस के कारागृह में और स्वयं विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में कारागार में अवतरित हुए। लेकिन पति और पत्नी दोनों भयभीत आतंकित सहमे हुए। अभी कंस आएगा और अन्य सात बच्चों की तरह मेरे इस लाल को भी मार डालेगा। ये क्या, मोहन की मोहिनी से द्वारपाल सो गए, ताले अपने आप खुल गए, कारागार के द्वार भी खुल गए। दोनों ही आश्चर्यचकित, प्रभु की ये कैसी लीला। वासुदेव चमत्कारिक बालक को टोकरी में डाल नंदगांव की ओर चल पड़े। उफनती जमुना मैया कन्हैया के चरण स्पर्श करते ही शांत हो गईं। यशोदा मैया की नवजात कन्या को वासुदेव ने उठा लिया और कृष्ण कन्हैया को उसके स्थान पर सुला दिया। कारागार में कन्या को लाकर देवकी की गोद में देते ही कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का समाचार मिला। दहाड़ते हुए क्रूर कंस ने कारागृह में प्रवेश किया। देवकी का आठवां लाल और मेरा लाल। नहीं नहीं भैया, इसे मत मारो। बहन की गोद से बच्ची को छीन लिया। कंस ने बच्ची को पत्थर पर जैसे ही पटका, एक बिजली कौड़ी कन्या हाथ से छिटक कर आकाश में पहुंच गई। अत्याचारी कंस, तेरा काल, देवकी का आठवां लाल यशोदा मैया की गोद में पल रहा है। तू कौन? मैं हूँ योग माया, तेरे जैसे नीच पापी दुराचारी दानवों का संहार करने के लिए ही अवतरित हुई हूँ। अब मैं हर युग में दीन दुखियों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर जहाँ तहाँ वास करूंगी और कलयुग में त्रिकूट पर्वत पर केलिसिल नदी के किनारे करौली गांव में कैला देवी के रूप में अपने प्रिय भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी करूंगी।
वाली देवी जय केला माता, जय करुणी वाली देवी जय केला माता, केला माता ऊंच नीच कोई नहीं तेरे द्वारे, ऊंच नीच कोई नहीं तेरे द्वारे, लेके जो विश्वास आए दर्शन हो पाए, दम 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 रू बोले
बजे। थप्पड़ नहीं मारा, अपनी किस्मत में कांटे बो दिए हैं। अरे माँ, कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? आज एक बहादुर लड़की ने स्त्री जाति की आन रखी। इसे कहते हैं बेटी हिंदुस्तान की। क्या बात है? किसकी वाह वाह कर रहे हो बेटे? एक बहादुर लड़की की माँ। उसे एक डाकू ने मेले में छेड़ा और उस लड़की ने पलट कर डाकू को एक जोरदार तमाचा मारा। चारों तरफ तहलका मच गया। और वो लड़की? यही तो अफसोस है माँ, वो बिजली की तरह चमकी और मेले में गायब हो गई। क्यों भाई, माँ बेटा क्या खिचड़ी पका रहे हैं? किसी छोरी पे लट्टू हो रहा है तुम्हारा लाडला। क्या कहा? ये लट्टू हो रहा है और तुम लट्टू नचाने का तमाशा देख रही हो। जानती नहीं हमारे खानदान में किसी पे लट्टू होने का रिवाज नहीं। लट्टू को नहीं रिवाज सिर्फ अविस्ता जी, वो तो जब कोई छोरी मिल जाए और वो छोरी अपने नैनों की डोरी से छोरे को खींचे तो छोरा गणेश चक्कर काटे और लट्टू। तुम चुप रहो मुनिंगी। न जाने अपने मदन कहाँ से सुनाया कि एक लड़की ने डाकू के मुंह पर थप्पड़ मार डाला। हाँ पिताजी, बिल्कुल सच है। आज की लड़की ने साबित कर दिया कि वो अबला नहीं है, बला होगी बेटे, बला। मैया, तेरी कृपा से मेरे घर का अंधेरा दूर हो गया। लोग बेटे के लिए जब तप करते हैं, मैं बेटी पाकर निहाल हो गई। हे करोली वाली माता, मेरी बेटी को अब तू ही अच्छा घर और योग्य वर देकर उसके हाथ पीले करवा दे। मैया, मैं संकल्प लेती हूँ मैया, विवाह के बाद सुहाग चुनर ओढ़कर तेरे दरबार में आकर जब तक तेरी आरती नहीं उतारती तब तक मेरी मंगला सुहाग सेज पर पैर नहीं रखेगी। बड़ा कठिन व्रत ले रही हो बहना, इसे निभाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरी मंगला मेरे व्रत की आन जरूर रखेगी। क्यों नहीं रखूंगी, उस समय तो आने तो पुजारी काका। चलो माँ चले। काका, जय केले मैया की। जय हो रानी बिटिया। जय केले मैया की सत्यवती। जय हो केला देवी। से आ रही हो क्या? हाँ भैया, वहीं से तो आ रहे हैं।
पर तुम दिखे नहीं वहाँ। मैं तो सतमी की आरती के बाद ही चला आया था। अच्छा, देव पूजा के साथ साथ पेट पूजा भी देखनी पड़ती है ना। क्यों, काले भैया कुछ हाथ नहीं बटाते काका? अरे वो क्या हाथ बटाएगा, जो किताब क्या पढ़ा दी ससुरा के लेदार बन बैठा। लेकिन पास तो करी लिया काका। अजी राम भजो, बाप ने मारी मेड के बेटा तीरंदाज तो भी मिडिल फेल। कल वो गए कहा काका? गौने की विदा कराने गया था, वही ससुराल का माल डकार रहा होगा। राम राम बापू। बुआ जी प्रणाम। जीते रहो बेटा। दूधन नहाओ पूतन फलो बेटी, इनके भी चरण छू। आओ बहू, जीते रहो। क्यों रे काली, ससुराल में इतने दिन क्यों लगा दिए? बापू शहर में बाबा अम्बेडकर का मेला लगा है ना, गौरी को वही दिखाने चला गया था। अरे रे, ये क्या, अजी हम और तुम तो एक ही उम्र के हैं, हमें तो बस ये घूमता हटाए कि चंदा दिखाए तो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले मुँह दिखाई देनी होगी। लो बहू, केला मैया की चुनर। माथे से लगा बहू, ये केला मैया की चुनरी है। वो सबका बेड़ा पार करती है, उसके दरबार में ऊंच नीच सब बराबर है। ये नहीं, लाल रंग है। अरे और रुक्मिणी, केसू के फूल भी बोलिए। अरे रुक जाओ मदन, कहाँ जा रहे हो? वो सामने जो लड़की खड़ी है ना, शेरनी है, शेरनी। अरे डरता क्यों है, हम भी किसी शेर से कम है क्या? अरे मंगला, क्या ये मुँह कहाँ से आ टपके? अगर मैंने भी इन्हें छठी का दूध नहीं याद कराया ना, तो मेरा नाम भी मंगला नहीं, समझी? मेरा नाम भी मदनपाल है। एक बार सामना तो होने दे, फिर देखना क्या होता है। ए, बेसरमो की तरह मुंह उठा के कहाँ चले आ रहे हो? देखते नहीं ये चनाना खाट है। अच्छा, बात तो मर्दों की तरह करती हो, ऊपर से कहती हो चनाना घाट है। अरे आज तो होली है। अपना मान के मैं
बढ़ चढ़ के बहुत करे पहले गाय को मुंह बंद करो अब
अरे भाटी का मेरी बुलबुल कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दे इसे। छोड़ दूँ? गजब हो गया बहन, हम लूट गए, तेरे घर की इज्जत होली में सुहा हो गई। मंगला 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 क्या हुआ मेरी मंगला को? मंगला को डाकू उठाकर ले गया। डाकू? मैं अपनी जान पर खेल गया मगर सब बेकार, मैं बेटी को न बचा सका। मंगला कहाँ जा रही है बहन? गांव में रोला मचाने से बेटी नहीं मिलेगी, फिर बदनामी हाथ आएगी। यानी जो इंद्र की निगाह में समा जाता है उसे इस धरती से तो क्या, साथ में आसमान से भी उड़ाकर ले आता है। हम तुम पर फिदा हुए और तूने हमारी कदरदानी का जवाब थप्पड़ से दिया। मैं तो तेरी गर्दन ही उड़ा देती नीच डाकू, एक निर्बल नारी को चोरों की तरह जबरदस्ती उठा कर ले आया। लंका का महाबली राजा रावण भी सीता का हरण करके लाया था। रावण का जो हर्ष हुआ था उसे मत भूल पापी। मैं रावण की तरह इंतजार नहीं करूंगा, उससे पहले ही तेरी ये अकड़ एक ही पल में खत्म कर दूंगा। तेरा हाथ लगने से पहले मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी, मेरी पवित्रता का आचल तू मैला नहीं कर सकेगा। मैं तो तुम्हें धर्म से अपनी बनाकर रखने को तैयार हूँ मेरी रानी। तेरे जैसे अधर्मी लुटेरे की परछाई से भी मैं नफरत करती हूँ, थूकती हूँ मैं तेरे मुंह पर। आराम। याद रख अब तू इंद्रजीत के कब्जे में है, समझी? मैं अभी आता हूं, ध्यान रहे ये शिकार यहां से भागने ना पाए, समझे? मिलेगा क्या पिंगवाहिनी शक्ति दाइनी, तेरी पूजा रे इस पापी के हाथों पतित होगी। माँ भवानी तेरी प्राण दे दे, लेकिन लाज ना जाने पाए मेरी।
जल्दी भाग। अरे देख क्या रही है, जल्दी से भाग चल। यहाँ से चली जा, भाग जा मंगला, जल्दी भाग जा। कौन छोकरी, खोल क्यों नहीं? वो छोकरी कहती थी। क्या कहती थी, भाग के क्यों आए हो? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। आओ मेरे साथ। तुम्हारे होते हुए लड़की भाग गई? कैसे भाग गई? बाजार ये वही लड़की है। बोलो मुझसे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बात फैली नहीं, मैया ने मंगला की रक्षा कर ली। बहना मेरी बात सुन, अब जैसे भी हो जल्दी से बेटी के हाथ फिरे कर दो। अरे कहा कुएं में धकेल दूं, अभागी करूं उन्हीं को। खबरदार बहन, जो से अभागिन कहा। अरे मंगला तो साक्षात देवी है, जिस घर में जाएगी उजारा कर देगी। पर वो घड़ी आएगी कैसे, कर्म चली मंगली है। अब मांगलिक लड़के से कुंडली मिले तब तो संजोग बने। भैया मैं दुखियारी करूं तो क्या करूं? एक बात मेरे ध्यान में आई बहना, पंडित राम प्रसाद शादी ब्याह में पक्के हैं, घर घर की खबर रखते हैं। मेरा कहना मान, तू मंगला की कुंडली लेकर उनके घर पर जा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र शुक्र के घर चली, सारे के सारे घर एक दूसरे के घर में घुस के बैठे हैं। बंटा था बंटा था। जय जगदीश हरे पंडित जी। जय जगदीश। आए अरे सत्यवती बहन, बड़े ही शुभ घड़ी में पधारी हो। आओ आओ विराजो विराजो, क्या कुंडली लाई हो? जय जगदीश हरे। आए अरे सत्यवती बहन, बड़े ही विकट ग्रहों की कुंडली है तुम्हारी पुत्री की, इसीलिए तो आपकी शरण में आई हूँ पंडित जी। अरे शरण में आने से क्या होगा, मंगलिक उस पर घोर मंगलिक है तुम्हारी पुत्री। मंगली लड़की का संयोग मंगली लड़के के साथ ही होना चाहिए। मेरी मंगला के लिए आपकी नजर में कोई मांगलिक वर है पंडित जी? हाँ है, मेरे एक जजमान है सेठ जगतपाल, उनका पुत्र है मंगली। सेठ जगतपाल? ओ वो तो पंडित जी, शादी ब्याह तो बराबर के जोड़ में शोभा देता है। वो बेचारी विधवा क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी? निचोड़ने के लिए जो है सो सब कुछ आप ही का है, एक ही बेटी है बेचारी की। सुंदर लाल अपनी लाडली पुत्री के लिए दान दहेज सब कुछ छोड़कर शुभ घड़ी मुहूर्त पर स्वर्ग सिधारे थे। कन्या को देख लिया जाए, सुना है बहुत बड़े आदमी है और लड़का भी सुंदर सजीला है। तुमने देखा है क्या? सुना है, और नाम है मदन मोहन पाल। नाम से ही पता चल गया। अरे और क्या, नाम मदन है तो होगा भी मदन जैसा ही। नाम बड़े दर्शन खोटे भी हो सकते हैं, सुना नहीं नाम नये सुख और एक बाजार पट। बहन सत्यवती जी, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त, संदी जी आ गए। लो आ गए, शम से आखिर नीचे मत की रही हो मेरी लाडो, एक बार आंखें खोलकर देख लीजो कहीं एक बिराजिए बिराजिए शुभ घड़ी मुहूर्त पर। ये है सत्यवती देवी कन्या की माता, और ये है तुम्हारे होने वाले जमाता। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अरे पंडित जी आप खड़े क्यों हैं? बिराजिए ना, मैं मंगला को लेकर अभी आई। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी बुलावा आता होगा,
सरा बिटिया को तो बुलाओ। शीला गौरी अरे तैयार हो गई मंगला? मेरी जीजी तो कब की तैयार बैठी है मौसी। बेटी के हाथ मिले करके जो पान फूल बन पड़ेगा आपकी नजर कर दूंगी। एक ही तो बेटी है मेरी। कहने को तो यही कहा जाता है पर कुछ तो करना ही पड़ता है। अपनी बेटी के सुख के लिए मैं अपने आप को बेच दूंगी। मांगली लड़की का संयोग मांगलिक लड़के से बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्यों पंडित जी? कुंडली तो ऐसे मिली है जैसे सीताराम जी की। कुंडली मिल गई है तो सारे योग भी मिल जाएंगे। अरे शीला आई मौसी, यह है मेरी मंगला। बेटी चरण छू इनके। ये है हमारा मदन। मदन भैया जी भर कर देख लो कन्या को शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में। तरह देख लो, जो कुछ भी पूछना गाचना हो पूछ लो शुभ घड़ी मुहूर्त में। ये क्या पूछेगा? बेटी क्या नाम है तुम्हारा? मंगला। अच्छा बेटे मंगला, अपनी माता जी के साथ खाना तो तुम बना लेती होगी। अजी माँ जी, ये सारी मिठाइयाँ और पकवान मंगला जी ने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। अच्छा? जरा स्वाद लेकर तो देखिए। लीजिए। वाह 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 वाह, देख ही मुंह में फव्वारे फूट गए रस के। आप भी तो खाकर कुछ कहिए। उनके मन में तो रस बरस रहा है भीतर ही भीतर। पंडित जी कहिए अब मेरे लिए क्या आ गया है? समझन रानी बात पक्की। बधाई हो आप सबको। बधाई आपको भी, लेकिन यह बारात हमारी हैसियत की होगी। जगह ताई ना हो। हाँ ताई तो मेरी होगी समझे जी। आपने संबंध स्वीकार किया, मेरा मान बढ़ा दिया, मेरी मंगला की भाग जाग गई। कुछ अपने लिए भी रख लेती बहन, अभी उम्र पड़ी है। मेरी उम्र बेटे के सुहाग भाग के सदके। मेरी मंगला सुखी रहे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब घर की छाती नहीं रहेगी तो रहेगी कहाँ? करोली वाली माता की छाया बनी रहे, उनकी चौखट पर आने वाले भक्त जनों की सेवा करके, मंदिर की चाकरी टहल करके दिन बिता लूंगी। लो गिन लो। तुम पर भरोसा है साहूकार। जय मैया करोली वाली। ओम गणगणगणपते नमः। सर्वमंगल्य मांगिते शिवे सर्वस्व सार्थके शरणेताम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः। आप सब लोग वर वधु को आशीर्वाद दे। वर वधु को कोहबर में ले जाओ उनकी रीति रस्म पूरी करने के लिए। अजी उठिए जीजा जी, कुल देवी के सामने कोहबर में चलिए। अभी कुछ और भी बाकी है? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो सब बाकी बाकी है। मंगला जी जी उठो। अरे हमारा एक जूता। अब एक ही जूते में चले जाना दीजिए जी। और दूसरा? एक रहेगा आपके पाँव में और दूसरा रहेगा हमारी जीजी के हाथ में। कैसा रहेगा? अरे बेटे तुम इन साड़ियों से नहीं जीत सकोगे, दे दो इनका नेक तभी छोड़ेंगे तुम्हें। दे दो। ठीक है दे देते हैं, ये लीजिए अपना नेक।
अरे गौरी भाभी, इस तीनों में तो कोई तेल ही नहीं है, दे दो इनका जूता, नहीं तो आप भी रो पड़ेंगे। तो रो कर दिखा दीजिए, हम लल्ला जी के पाँव में खुद ही अपने हाथ से पनेल पहना देंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, आप इसे रख लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए, और जरूरत होगी तो हम भिजवा देंगे। अब चले आइए, हमारी दीदी के साथ ऐसी कंजूसी मत दिखाइएगा। यजमान, विदाई में घड़ी देरी कर दी। इस शुभ घड़ी मुहूर्त में
अक्षय कुशल पहुंच जाए। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। डाकू लुटेरो को गणों का त्रास है, मन तो गणा डर लग गया है पंडित जी। डाकू इंद्रजीत सिंह का सारे इलाके में तहलका मचा हुआ है जजमान। पंडित जी नई नवेली बीड़ी के चरण शुभ होने चाहिए। हाँ, इस समय जो भी कुछ है नई बहू के सुहाग भाग्य का है। हाँ, जैसे ग्रह बीड़ी के होंगे वैसे ही होगा। मारा चश्मा कटे। अरे तू चश्मे की बात कर रहा है, इब की हो गए। डाकू आ गए। कुछ नहीं होगा, करोली वाली मैया सब ठीक करेगी। करे तो तय कर दो। सरदार, छोटी सी छोरी और बटन पे इतने गहने, छीन लो सब। अब देखता हूं तू भागकर कहां जाएगी। मारो इसे। उल्लू के पट्ठो बड़े चले थे पकड़ने, आप पकड़ के बताओ। अरे भैया जल्दी गाड़ी आक, सही सलामत घर पहुंच जाओ। जब तक सुहाग चुनर ओढ़कर तू केला मैया की दरबार में जाकर उसके चरणों में ज्योति नहीं जगाएगी, आरती नहीं उतारेगी, तब तक तू सुहाग शैया पर पैर नहीं रखेगी। अरे तुम वहां खड़ी हो, यहाँ ये सेज के फूल हमारी रूप की रानी के चरण चूमने को बेताब है। ये क्या है? पूजा के फूल। ये पूजा की बेला नहीं, हमारे मधुर मिलन की बेला है। आज एक दूसरे को पाने के लिए हमारे जन्म जन्मांतर की साधना सफल होगी। मैं मानती हूँ कि आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाए, लेकिन आज की रात। आज की रात क्या? मुझे अधिकारी है। कारण? कारण मुझे नहीं सुनना है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आज समाज और धर्म ने मुझे तुम पर सारे अधिकार दे दिए हैं।
ये बिंदिया। सुहाग की एक खनखनाती चूड़ियां, तुम्हारी ये कजलारी आंखें, गुलाब की कोमल पंखड़ियों जैसे तुम्हारे होंठ, सब मेरे हैं। इन पर मेरा पूर्ण अधिकार है। तुम्हारा प्यार मेरा प्यार है। आज की नहीं, thank you।
जी मुंह चूम लेंगे जब एक दिन मधुरत की प्यार भरे निशानी गोद में भर कर ले जाओगे। नानी कहने वाले कि मोहिनी सूरत देखकर सब भूल जाएंगे। सबसे पहले करोली वाली मैया के भवन में चलकर माता महारानी से माफी मांगूंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जो हुक्म सरकार, जहां ले जाएंगे वहीं बंधे चले जाएंगे। वैसे एक बात है, प्यार करने के लिए जगह वो भी बुरी नहीं है। बेचारा, थोड़े दिनों बाद मेला लगने ही वाला है, तब याद देने चले जाना करौली वाली देवी की। जी मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, पर ये जाने को उतावली है। बहू बड़ी भक्ति भावना वाली है, जाना चाहती है तो जाने दीजिए। बहू अगले बरस क्रोध भरी आने की अरदास करना कैला वाली माता से, समझी? हाल में देखेगी तो बहुत दुख होगा उसे। मंगला, मैं तो थक कचूर हो गया और मुझे भूख भी लगी है, तुम अंदर जाकर पूजन अर्चन कर लो। नहीं, तुमको भी चलना होगा। देखो मंगला, मैं इन बातों को ज्यादा मानता नहीं। मैया के द्वार पे खड़ी होकर ऐसी बातें नहीं करते, कहीं तो तुम आए क्यों थे? अब तुम्हारा हुक्म हुआ तो मैं तो इसलिए चला आया, और फिर मुझसे भूखे पेट भजन नहीं होता। अभी तो यही है, फिर चलेंगे। जितना दंडवत, जितनी कसरत कराओगी कर लेंगे। तुम जाओ। क्षमा माता क्षमा, मैं माँ की संकल की आंत नहीं लग सकी। माँ का व्रत मैंने खंडित कर दिया, अब तुम्हें बताओ माँ मैं क्या करूँ, क्या प्रायश्चित करूँ? मैया तू तो घटित वासी है, नारी अपना असहाय है,
ये तो भले भांत जाती है जगदम्बे। क्षमा क्षमा करना माधेश्वरी। माँ तुम्हारा कल्याण करे बेटी। दाल तड़के वाली जोर ठड़के वाली जय ताली ले भाई। अरे सुन हुजूर साहब देख ले जाने के लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी तैयार कर दे हमारी नई नवेली के लिए। नई नवेली मंदिर में पूजा करने गई है तो सोचू अखावे उदाहरण पूजा करने जावा रहे और मंदिर में। ए भाई साहब ये फप्पिया किस पर कस रहे हो मंदिर में कौन सी पुजारी चूहे खा के पूजा कर रहे हैं। जाके पूछ अपनी नई नवेली ने। ये भी पूछ लेना कितनी नई है कितनी पुरानी। अरे बात छिपा के दूंगी की अम्मा ने दहेज का सोना चांदी भर के बेचारे को डाकू इंदर की जूठी थाली थमा दी। मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका गिरेबान क्यों पकड़ता है। अगर सच्चाई जाननी है तो अपने बीवी के गिरेबान में जाकर देख। छोड़ दे इसे। तुम लोग यहीं ठहरो। अरे जरा ठहरो जाने जाना इतनी जल्दी भी क्या है। हाँ जाने दे मुझे। जाने कैसे दूं अभी तो दिल भरा नहीं। हमारे चमन को बिना गुलजार किए ये बुलबुल दूसरी डाल पर जा बैठी। देख मेरी जिंदगी में कांटे ना बिछा। आप मैं विवाहिता स्त्री हूँ मेरा पीछा छोड़ दे। अरे मेरी दिल वाह दिल में तेरी यादों की कलियां चट रही हैं। छोड़ दे मुझे छोड़ दे छोड़ दे मुझे। तो यही है हमारी बुलबुल का। तुझे ऐसे किस चीज़ ले जा रहे हैं तेरी बात का विश्वास नहीं करूं। अरे तुम्हें गलत कर रही हो। टके की हड्डी अभी जब घर में लाते हैं तो उसे अच्छी तरह जांच पर रखकर थोक बजा कर लाते हैं। और आप मेरी अधम के लिए अपने घर की बहू अपने घर की इज्जत बिना देखे बिना पर खिले। बात क्या है बेटा मदन। ये घर की इज्जत नहीं माँ हमारे घर की मान मर्यादा पर एक बदनुमा दाग है। हाय राम ये तो क्या कह रहा है। कौन है वो। पुराना आशिक है माँ पुराना आशिक। न जाने कितनी रातें उसके साथ बिताई है। मैंने अपनी आंखों से देखा कानों से सुना और मैं आ गया तो तेरे चंप दिखाने लगी। इस बच्चे को तू यहाँ ले ही क्यों आया। मरने देता स्कूल कॉलेज के लिए को वहीं पर। मासी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनाएगी बच्चा चली कर। माँ मुझे यहाँ से ले चल। माँ नहीं मेरी बच्ची। माँ के दरवाजे से कुलीन कन्या की डोली उठने के बाद पति के घर से कुल वधु की आरती ही बाहर निकलती है। अगर सीता जी मुझे ले जाना नहीं चाहती तो मुझे शहर दे दे मेरा कला दबा दे और फिर मेरी आरती ले जाए यहाँ से। नहीं बेटी नहीं। तू नहीं जानती बेटी इनकी लालच लेकर इस घर से निकलेगी तो जो ये कहते हैं उसे दुनिया सच मान लेगी। बाप की हड्डियां फूट चुकी है अब और आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। समझी 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 क्या चिल्ला रही हो। मैं कहती हूँ अपनी बदचलन बदकार बेटी का पाप छुपाने के लिए हमारा ही घर मिला था किसी कोठे पर ले जाकर बिठा देती। बस करो बस करो समझी भाई बस करो। औरत साथ होकर एक औरत की मान मर्यादा को कलंकित मत करो। मेरी बेटी अग्नि की तरह पावन और गंगा की तरह पवित्र है। तुम अपनी इस पवित्र गंगा को लेकर चलती बनाओ यहाँ से। बेटे ये विवाहिता धर्म पत्नी है तुम्हारी। इस पाप की मूर्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध इस तरह नहीं टूटा करते। बेटे तुम मेरे जवाई हो मेरी मंगला के सुहाग सिंदूर हो। जो कुछ तुमने सुना देखा सब तुम्हारा भ्रम है। मेरी बेटी निर्दोष है। समझी रानी इस
के ऊपर इतना अन्याय ना करो, अन्याय ना करो। मेरे बेटे निर्दोष है, मेरे बेटे निर्दोष है। किन पत्थरों के सामने सर टकरा रही हो माँ? मेरे लिए निर्दयी हैवानों के सामने गिड़गिड़ाकर नीचा देखने की कोई जरूरत नहीं। लो सुनो, चोरी और सीना जोरी, अरे उल्टा तुझे रोता कितने हैं? मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ, लेकिन याद रखना चैन से नहीं बैठूंगी मैं। आज के जुल्म और जाति के खिलाफ भरी पंचायत में फरियाद करूंगी और पंचों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करा के रहूंगी। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और उनके आगे मैं अपनी फरियाद पेश करती हूँ। मेरी निष्कलंक निर्दोष बेटी की पवित्रता पर झूठा लांछन लगाकर उसके पति सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया है। जगतपाल, तुमने अपने बेटे मदन की धर्म पत्नी, जो तुम्हारे घर की आबरू है, उसको घर से निकाल दिया है। पंच परमेश्वर को प्रणाम। पंचो, अपनी बहू का पाप और उसकी गंदी गिरी हुई हरकत को अपने मुंह से बयान करते गर्दन शर्त से झुकी जा रही है। जगतपाल, फिर भी तुम्हें बताना ही होगा, गांव के पंच एक अबला के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं कोई जुल्म ज्यादती नहीं कर रहा हूं। यहां जमा हुई बिरादरी, समाज, खुद पंचगण या कोई भी इज्जतदार आदमी पाप का पर्दाफाश होने पर वैसा ही सुलूक करेगा जैसा मेरे यहां हुआ है। मेरी बहू मंगला गिरे चाल चलन वाली कुलटा है और ऐसी कुल कलंकरी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इसका सबूत? सबूत खुद इसका पति मेरा बेटा मदन देगा। श्रीमान, विवाह से पहले ही इसके ताल्लुकात गैर मर्दों से थे। इसने कई कई रातें अपने आशिकों के साथ बिताई हैं। नहीं, झूठ है ये, झूठ है ये। ये सच है। इसकी आशनाई का जीता जागता सबूत मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। और अगर ये झूठ है तो पूछिए इससे। बोलो मंगला, तुम्हारा पति जो तुम पर तोहमत लगा रहा है वो सच है या झूठ? सच है मंगला। देख लिया, सुन लिया पंचों ने? पंच परमेश्वरों के सामने ये अपनी बेहयाई का इकबाल कर रही है। मंगला, वो या तुम्हें कबूल है कि तुम्हारे पति सास ससुर का संदेह केवल संदेह नहीं है बल्कि सच्चाई है? विवाह से पहले तुम्हारा आंचल मैला हो चुका था, तुम्हारी पवित्रता नष्ट हो चुकी थी। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। मैं निर्दोष हूँ, निष्कलंक हूँ। मेरी पवित्रता के आंचल पर किसी विधान से विवाह करने वाले इस पुरुष के अलावा किसी पर पुरुष के स्पर्श का चिन्ह नहीं। मंगला, तुमने अभी स्वीकार किया कि तुम कई रात किसी के साथ नहीं, कोई कैसे मान ले कि काजल की कोठरी में रहकर भी तुम्हारा दामन बेदाग रहा हो? बताओ वो पुरुष कौन था? डाकू इंदर। सुन लीजिए आप सब, एक डाकू के कब्जे में रहकर भी ये अपना सच अपना धर्म बचा करा दे, तो विश्वास कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मुमकिन है, उसी प्रकार जिस प्रकार 10 मास रावण के चंगुल में रहकर भी सीता मैया के सत्य पर, उनके श्री धर्म पर, उनकी पवित्रता पर आज तक नहीं आई। अरे सीता मैया। मंगला, तुम उस लुटेरे के चंगुल में फंस कर कैसे बची? कौन है गवाह तुम्हारा? मेरी गवाह तो बस वही माँ करोली वाली है, माता कैलेश्वरी। माँ भवानी चामुंडा ने ही मेरी रक्षा की। यदि करोली वाली माँ कैला देवी ही तुम्हारी साक्षी है और तुम्हारा उन पर अटल विश्वास है, तो नटनी की छतरी से करौली माँ के मंदिर तक कच्ची डोर पर तुम्हें चलना होगा। किसी जमाने में एक राजा ने अपनी प्रेयसी की प्रेम परीक्षा इसी तरीके से ली थी, तुम्हें भी अपनी पवित्रता का प्रमाण इसी परीक्षा से देना होगा। नहीं नहीं, ये परीक्षा नहीं, प्राण दंड है। और ये पंच नहीं, सूली पर चढ़ाकर प्राण लेने वाले कसाई हैं। चल बेटी चल। नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते माँ, ऐसा नहीं कहते। कैसे न कहूँ बेटी, ये सब मिलकर तेरी जान लेने की साजिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। अगर ये सच्ची है तो हो जाने दे माँ, नारी के गौरव के लिए अपने बेटे को कुर्बान हो जाने दे माँ। Thank you.
निर्दोष है। इज्जत का आईना एक बार टूटने के बाद जुड़ा नहीं करता, और फिर ये तो नटनी का खेल है, कोई भी खेल सकता है। का घर तेरा घर है बेटी। काका और बेटी
अगर नीजा काका के साथ रहने में कोई बुराई हो तो मैं तेरे लिए कोई दूसरी झोपड़ी बनवा दूंगा। नीच तुम नहीं हो काका, नीच तो वो है जो तुम्हें नीच मानती है। वैसे पंचायत ने तुम्हारी ससुराल वालों को फैसला सुना दिया है कि मंगला कसौटी पे खरी उतरी है, उसे घर से कोई नहीं निकाल सकता। जिन्होंने नजरों से गिरा दिया हो, मन से निकाल दिया हो, उस घर में जाकर रहे तो क्या, ना रहे तो क्या। इसीलिए बेटी तेरा रहस्य काका तुझसे विनती करता है, उसकी छोटी सी झोपड़ी को तू अपनी ही समझ। बस बस अब और नहीं कारी भाभी, पेट भर गया। अभी कहा, अभी तो तुम्हारा अपना पेट भरा है, तुम्हें तो दो दो पेट भरने हैं जीजी। अच्छा अच्छा बड़ी बुरी मत बनो, एक तो कसम दिलाकर सबसे पहले खाना खिलाने बिठा देती हो, कल से ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुम मेहमान हो जीजी, मेहमान बना के रखोगी। अरे नहीं नहीं जीजी, मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रही थी, मैं तो आने वाले मेहमान की बात कर रही थी, उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसका जीता जागता नमूना तू मेरे घर में पैदा हो गया है, बिना नकेल के बैल की तरह बाएं बाएं करता फिरता है। फिरता कहाँ रहता हूँ बापू, आई एम लुकिंग फॉर गुड नौकरी। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा ही खोटे खाब छोड़ दे, मेरे मिडिल फील्ड बेटे अच्छे अच्छे बीए पासों को नौकरी नहीं मिलती तो ये नौकरी देगा कौन। अरे बापू नौकरी किस गधेड़े करनी है, मैं तो जूते के कारखाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग। आ गया मैं अपनी जात पे। अबे गधे पहले जूता बनाना तो सीख, जूते बनाने वाले का पेट जूते के धंधे से भरता है। लेकिन बापू पेट तो रोटी से भरा है, लो गौरी आ गई रोटी लेके। ला जरा देर हो गई, बात यूँ हुई थी कि पहले मंगला जी जी को जिमा दिया। ये तूने घना चौखा काम किया बहू, अरे कलवा आजा। ना जी ना, इनकी रोटी ना लाई, इनकी तो घर ही में धरी है। समझा समझा, जा रे जा, बहू ने भी ना खाया होगो। बहू मंगला को कोई कष्ट तो ना है, वहाँ को जी तो ठीक है। कभी कभी जी तो मिचलाता ही है, पर वो तो होता ही रहेगा। लकी दाई को दिखाया था, वो कह रही थी कि अब ज्यादा दिन ना है। क्या हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ। बधाई हो, बेटा हुआ है। मंगला कैसी है? जच्चा बच्चा दोनों राधी खुशी है। अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय। बाबू बाबू कन्हैया नाम रखेंगे जीजी के लालन का। पैदा होते ही मर जाता तो पाप करता, अब वो तो पौड़ी का जूते गांठने वाला जगत भर में ढिंडोरा पीटेगा, जगत पाल के पोते को पाल रहा है। पिताजी तो फिर मैं ले आऊं अपने खून को? अपने खून को कलंक कहो बेटे, न जाने किसका पाप हमारे कुल का कलंक बनकर उसके पेट में पल रहा था। यही बात तो छाती पर सांप बन के फुंकार रही है। जन्म लेने वाले की जान दाई के हाथ में होती है, कुछ तेज मिलाकर लक्ष्मी दाई को राजी कर लेते, कुत्ते में दो बूंद जहर मिला देती। जिस नाल में बच्चा 9 मास पला उसी में पेट में फंसा देती। माँ, दूर की कौड़ी लाइन पर देर के लाइन, अब तो सांप बिल से बाहर आ चुका है, उसकी फुंकार हमारी जिंदगी में जहर थोपती रहेगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अभी भी लखिया दाई। ना 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 बेट, मैं दाई हूं, यम दूत नहीं। अरे जान मत ले, कहो तो तुम्हें लाकर दे दूं। सारी दुनिया जानती है सेठ, वो तुम्हारे घर का चिराग है। अंधकार है, कौन है हमारे घर का,
घर के लायक होता तो मखमल और रेशम में जन्म लेता, कंगाल मोची के गुदड़ों में नहीं। तो फिर चच्चा बच्चा से दाई का वास्ता रहता है तो क्या उठाना? और फिर बस फिर तू उसे ले जाकर कहीं दूर जंगल में फेंक देना, बाकी हिसाब किताब जंगली जानवर खुद कर लेंगे। क्या उसे कहीं नदी नाले में बहा देना, मछली कछुए तुझे दुआ देंगे। सांप मरेगा लाठी भी नहीं टूटेगी। सोच क्या रही है बाली, इतने से काम के इतने दाम, सारी जिंदगी लंबी तान कर गुजार देगी। ले 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 ले। कागज के पास हो क्या बात है बेटी? मेरा मुन्ना पता नहीं कहाँ चला गया। क्या कह रही हो बेटी? थोड़ी देर पहले वो मेरे चाचा से लग के सो रहा था। करोली माँ पर विश्वास रखो बेटी, हमारा मुन्ना हमें जरूर मिल जाएगा, हम उसे ढूंढेंगे। हाँ एक ही होगा। अब चलो का पति तो छोड़ ही गया, बच्चा भी छोड़ गया। अरे पैदा होते ही कोई भागने दौड़ने थोड़ी लग गया जो कह रही है छोड़ गया। अरे यूं कहो कोई उड़ा ले गया। अरे तो ये है कि बच्चा गया कहाँ, कौन ले गया? मुझे तो इसमें सेठ जगत की साजिश लगती है। अरे चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं। मेरा पोता होता तो मेरी हवेली में जन्म लेता। तुम सबने ये सोच भी कैसे लिया कि किसी के कलंक का टीका मैं अपने माथे पर लगा लूंगा? उस दिन तो पंचायत की आंखों में धूल झोंक कर अपनी नजरबंदी का खेल दिखा दिया था। ऐसी सतवंती है तो अपनी कोख के कलम को भी दूध का धुला साबित कर दे। मांग ले माता करौली वाली से अपने लाल को। ही लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा, सारी बस्ती में खलबली मची पर तेरी तरफ किसी की नजर नहीं गई नटिया। तू बच गई, बाल बाल बच गई। अब तक तो वो फितना मच्छी और कछुओं की भूत मिटा चुका होगा। या भूख से तड़प तड़प कर काल के गाल में समा चुका होगा। मैया मेरे आंचल के फूल को अपनी दया और ममता की चतुर छाया में ले लो। मेरा लाल जहाँ भी हो उसका बाल पाकर ना हो। मंगला बेटी मंगला जल्दी चल। कहाँ काका? चरवाहों ने खबर दी है कि काली सी नदी में एक टोकरा बहता देखा गया है। अच्छा। बच्ची की रोने की आवाज भी सुनी है। चलो काका चल जल्दी चल।
धन्य हो। चमत्कार है तेरा, माँ को बेटा मिल गया, हमारा कन्हैया हमें मिल गया। हमारा कन्हैया तेरा बेटा। बलिहारी जाओ। आखिर पाप का भंडा फूट गया ना? जिन हाथों से जन्म दिया उन्हीं हाथों से मौत का सामान कर दिया। अरे चुप, तू है कौन? तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे सारे कर्म जानती हूँ। मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे काले कर्म देख लिए। क्या क्या देखा तुमने? नहीं तो मार मार के तुम मुझे क्या मारोगी? अरे तुम्हारा पाप तुम्हें मारेगा। नन्हे बच्चे खाने वाली डाइन, अभी सारी बस्ती के लोग आकर तेरा हिसाब किताब करेंगे, तेरा पाप तुझे मारेगा। तेरा पाप तुझे मारेगा। जय जगदीश। प्रणाम पंडित जी। चरण छू पंडित। कल्याण भव यजमान, तुम्हारी जय जयकार बनी रहे। शुभ घड़ी मुहूर्त लगन निकालूंगा। पंडित जी अब मुझे ब्याह नहीं करना है, मैं जन्म भर कुंवारा रहूंगा। इब तुम कुंवारे तो क्यों नहीं रहे छोटे साजी, धर्म से तो एक छोकरे के बाप भी बन गए हो। धर्म कर्म गया भाड़ में। गयो वो तो चोखो गयो जी, जब घर में धर्म वीरड़ी ही नहीं रही तो धर्म रवेगा कड़े से। बनेंगे। हाँ पंडित जी। घड़ी मुहूर्त में मंगल नक्षत्र का विचार मत कीजिए, 32 गुण वाली नहीं तो 36 गुण वाली देख लीजिए, बड़ी निराली है। बस आप हुकुम करें हुकुम। पंडित जी मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे ब्याह नहीं करना है। पंडित जी। जी। आप मदन की बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं देखता हूँ ये कैसे ब्याह नहीं करता। दीदी जी कौरे बाबी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। अपनी मुन्ना के लिए? नहीं, उसके पिता के लिए। चिट्ठी, सदैव अलग अलग रहती हो, हर हमेशा मन में रहती है। मैंने तो सुना है कि वो अपने लिए नई दुल्हनियां देखने गए हैं। इससे मुझे क्या? अच्छा छोड़, मैं कल सूरज निकलते ही कैला देवी चली जाऊंगी। ऐसा लगा है ना किसी जानवर ने ढोर डांगर को मार गिराया है। अरे अरे अरे, ये कोई बेचारा बड़ा मानुष दिखाई दे रहा है। क्या हुआ गहना? इसे कहे हैं मरणो भयो बियाबान में, जहाँ ना अपनों को मट्टी खाए जानवर। नहीं काका, ऐसा मत कहो। बेचारे में प्राण है, इसीलिए कोई भी जानवर पास आने की हिम्मत ना कर रहे हो। काका जरा गाड़ी तक सहारा तो दो। बहना अगर इसने कहीं गाड़ी में दम तोड़ दिया तो सब सुध हो जाएगा। नहीं काका, मैं लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मगर कहाँ ले जाओगी? वही जहाँ जा रही हूँ। जीवन मरण तो सब मैया के हाथ में है। हाँ बेटी,
जीवन मरण तो माता कैलेश्वरी के हाथ में है। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि सीधा माता के भवन में इन्हें ले आई। वैद्य जी आते ही होंगे। मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करना पुजारी काका, सबसे अपना ही रिश्तेदार बताना इन्हें। जैसा तू चाहेगी, पर सच्चाई कब तक छिपेगी बेटी? जान को खतरा नहीं, परंतु सिर पर गहरा घाव लगा है। इस आघात से इनके नैनों की ज्योति चली गई है। मेरी औषधि उपचार से होश तो आ जाएगा, परंतु आंखों की रोशनी का लौटना असंभव है। उपाय करने वाली तो ये माता भवानी है, मनुष्य तो उसके हाथ का केवल खिलौना है। माता की अखंड ज्योति में बड़ी शक्ति है। सेवा और समर्पण का व्रत लेकर, श्रद्धा और विश्वास के साथ माता कैलेश्वरी के अखंड दीप के लौ पर अंजन बनाकर नयनों में औजने से नवरात्रि के 9 दिन में ही ज्योति लौट आएगी। कर दिया था, मुझे यहां कौन ले आया? किसने मेरी सेवा करके मुझे नवजीवन दिया? कुछ समझ में नहीं आता। मैं जानता हूं, उसने तुम्हें नवजीवन ही नहीं दिया बल्कि तुम्हारी आंखों की गई रोशनी लौटाने के लिए घोर तपस्या की है। किसने और कैसी तपस्या? नवरात्रि के 9 दिन अंजल त्याग कर मैया की अखंड दीप की लौ से अपनी हथेली पर अंजन तैयार करके तुम्हारे नयनों में हर रोज लगाया करती थी ताकि तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट सके। परंतु वो देवी कहाँ है, मेरे लिए त्याग करने वाली त्याग मूर्ति? जो कुछ है इन्हीं माता भवानी का चमत्कार है, इसे केवल माता की दया समझो। परंतु उस महान उपकार के बदले तुम कुछ भी नहीं दे सकते। समझ सकते हो तो माता के संकेत को समझो। प्रथम विवाहित धन पत्नी के होते दूसरे विवाह का विचार अधर्म है, अन्याय है। शायद उसी की सजा माता ने दी है। मंगला को स्वीकार करने में तुम्हारा मंगल है। मेरा भी यही विश्वास है पुजारी जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो मेरे बस में नहीं है। मैं तो उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरे माता पिता जी। तेरा बड़ी उम्र हो बेटे, इब तो झटपट खुशी की खबर सुना डालो छोटे साजी। बैठने तो दो मुनीम जी। क्या बात है बेटी, चेहरा ऐसा उतरा उतरा क्यों है? लगता है लड़की पसंद नहीं आई। अजी नहीं आई तो ना सही,
यो तो ऐसे ही मुलटकायो जैसे कोई घना नफा करने गयो सो और टोटो खा के आयो। छोरियों को टोटो कोनी छोटे साजी? ये बात नहीं है मलिन जी। तो फिर क्या बात है बेटे, इतने दिन कहाँ रहे? कुछ ना पूछो माँ, जहाँ जाने के लिए निकला था वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। क्या, तो फिर कहाँ रहे? बहुत लंबी कहानी है पिताजी, बस ये समझिए कि एक नई जिंदगी पाकर लाता हूँ, वरना अंधा होकर दर दर की ठोकरें खाता रहता। हाँ माँ, पूजा सेवा देवी देवता में मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन एक सेवा भक्ति वाली नारी ने अपने त्याग अपनी तपस्या से मुझे प्राणदान देकर दृष्टिदान देकर मेरे मन में एक नया उजाला जगा दिया। लेकिन अफसोस मुझे उस देवी के दर्शन नहीं हो पाए। मैं तो चरण धो धो कर पीती उस देवी के। इस घर का तो इकलौता कुल दीपक है, इसीलिए तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि शादी ब्याह की बात कुंडली देख कर करनी चाहिए। पहले भी जन्म कुंडली मिली थी, नाम भी मंगला था, लेकिन लेकिन आप लोगों के कारण सब। खैर, अब मुझे नहीं करनी है शादी। ना ना, ऐसा मत कहो बेटा, वंश कैसे चलेगा मेरे लाल? मंगला का बेटा भी तो आखिर मेरा ही बेटा है। जाइए, ले आइए उसे, वंश उससे भी चल सकता है। फिर से उतरा बाल फिर सिर पे नहीं चढ़ता। परंतु वो देवी कहाँ है मेरे लिए त्याग करने वाली त्याग मूर्ति? मंगला को स्वीकार करने में तुम्हारा मंगल? मेरा भी यही विश्वास है पुजारी जी, लेकिन मेरे माता पिता। प्रथम विवाहित धर्म पत्नी के होते दूसरे विवाह का विचार अधर्म है, अन्याय है। न जाने मंगला कहां होगी, कैसी होगी। ये बिंदिया ज्योति बना रखी है, दिन भर आवारगी, फिर शराब पी के घर लौटना, ये सब किसके लिए? उसको उल्टा के लिए? कान खोल कर सुन लो, अगर इस घर में रहना है तो आदमी की तरह रहो, मैं अपने कुल की मर्यादा भंग नहीं कर सकता। पूरे 5 साल के हो गए। सबके चरण छू और आशीर्वाद लो, सबसे पहले काका के। अच्छा ना ना बेटे, कल माँ के पैर छू। गाली बहू गाली, काना के लिए प्रसाद लेने मंदिर गई है। अच्छा तो काका के पैर छू बेटा। जुग जुग जियो हमारे मुन्ना राजा, पढ़ लिख कर लाख साहब बनो, कुल का नाम उजागर करना बेटा। काका कल मैं मुन्ने को स्कूल में दाखिल कराने ले जाऊंगी। हाँ बाबा, मैं बहुत पढ़ूंगा, रोज स्कूल जाऊंगा। इस प्रवेश पत्र पर बच्चे का और इसके पिता का नाम भर दें। पिता का नाम जरूरी है? पिता के नाम के बिना पाठशाला में भर्ती कैसे होगा? इसके पिता क्यों नहीं आए?
क्या पिता के बगैर ये इस पाठशाला में भर्ती नहीं हो सकता? क्यों, क्या इसके पिता इस संसार में नहीं है? किंतु आपके सुहाग चिन्ह से तो। चल मुन्ना। स्कूल में नहीं पढ़ूंगा माँ। माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता बेटा, तुझे मैं पढ़ाऊंगी। पाठशाला? मेरी पाठशाला तो घर में है ना। पास से पिता भी होता है और पास से पाठशाला, पर पिता के बिना पाठशाला में नहीं जा सकते क्या? अच्छा आगे लिख। माँ तुमने कहा मेरे पिता हैं? कान्हा क्यों बकबक कर रहा है, लिख पाके बात था। कौन है? बाहर आओ। अच्छा तू पाके बात लिख, मैं अभी आती हूँ। कहिए। मंगला देवी यहाँ रहती है? मैं ही मंगला हूँ, क्या बात है? मैं थाने चल रहा हूँ। थाने? किस लिए? थानेदार साहब ने बुलाया है, कुछ पूछताछ करनी है। मंगला देवी अगर तुम चाहो तो 10,000 का इनाम हासिल कर सकती हो। किस तरह? डाकू इंद्रजीत सिंह को पकड़वा कर। हमें सब सुराग मिल चुके हैं कि तुमने डाकू इंद्रजीत सिंह के मुंह पर तमाचा मारा था, ये सच है ना? जी, और ये भी सच है कि उसने मेरा अपहरण किया था। हम जानते हैं कि तुम डाकुओं के चुंगल से बचकर निकल भागी थी और उनके चुंगल से निकल कर अपने घर तक जाने में तुम्हें उनके ठिकाने का पता लग चुका होगा। मैं कुछ नहीं जानती, महाशक्ति ने खिलौने की तरह कहां से कहां पहुंचा दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन इस समय मैं तुम्हारे कर्तव्य की बात कर रहा हूं, जरूरत पड़ने पर समाज के दुश्मन उस जालिम को पकड़वाने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं किसी से नहीं डरती, जो माता करोली वाली कराएगी वही होगा, एक दिन उस लंपट को अपनी कंडी का फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद, तुम जा सकती हो। क्या खबर लाए? पता चला है हजूर, डाकू इंद्रजीत सिंह चंदा भाई के यहाँ मुजरा देख रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी खबर है, अब वो कानून के हाथों बचकर नहीं जा सकता। Thank you.
पुलिस। सरदार सरदार, क्या है? पुलिस आ गई, लगता है किसी ने फकली रिपोर्ट लिखा दी। भाग कर जाएगा, चलो। दिखाने नहीं, मदद मांगने आया हो। मेरी मंदिर में अपने पाप की परछाई डालने आए हो। पुलिस, मैं पुलिस यात्रा पढ़ने नहीं चाहता, घायल हो चुका हूं। देखो तुम्हारे शरीर में हूं। कौन? मंगला देवी, आपके यहाँ कोई आया है? मेरे यहाँ? भला मेरे यहाँ कौन आ सकता है? मंगला देवी, हमें पूरा विश्वास है कि आप उस मुजरिम डाकू को अपने यहाँ छुपाकर नहीं रखेंगी। चलो। अभी तो खतरा टल गया। सरकारी इनाम से 10 गुना ज्यादा इनाम दूंगा। इस समय तू मेरी शरण में है, तू मुझे क्या इनाम देगा? इंदर की जुबान एक है, तो वचन दे। क्यों मांगूंगी, तू देगा? कह दिया ना, ये ठाकुर की जुबान है। लेकिन उससे पहले हमारी मरहम पट्टी का कुछ इंतजाम कर दो। देखो जिस पे जैसे सारा खून बह रहा हो। अच्छा बैठ जा। हाँ। मैं करती हूँ तेरी मरहम पट्टी। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुका सकूंगा? तूने जबान दी है, वचन दिया है। बेशक, हुक्म कर, मांग ले जो मांगना है। तूने मुझे फांसी के फंदे से बचाया है, नई जिंदगी दी है। सारी जिंदगी गुनाहों के रास्ते पे चला है, बदल दे अब ये रास्ता। लूटपाट, खून खराबा, सब छोड़ दे, पश्चाताप कर, कानून के हवाले कर दे अपने आप को। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। तो ठीक है,
अगर तू पुलिस के सामने समर्पण नहीं करना चाहता तो करोली वाली माता केला मैया के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे और संकल्प कर कि आगे की जिंदगी तो एक शरीफ इंसान की तरह बिताएगा। लेकिन मैं माता के भवन में कैसे जाऊंगा? मैं ले चलूंगी तुझे। कौन मंगला बेटी तुम इस समय? और ये कौन है? डाकू इंद्रजीत सिंह। मंदिर में मैया के सामने जिंदगी भर के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने आया है। इतनी रात? आज रात मैया के भवन में इसके जीवन का नव प्रभात होगा। करोली मैया के दर्शन करा दीजिए पुजारी काका। आओ बेटी आओ। करोली वाली आज इंदर डाकू मर गया। माँ मर गया। अब मेरे अंदर एक नेक सच्चे इंसान को जन्म दो माँ। सच्चे इंसान को जन्म दो माँ। सच्चे इंसान को जन्म दो। मैं कितना अभागा हूँ माँ। तुम्हें जानकर भी न जान सका। तुम्हें पाकर भी न पा सका माँ। तुम्हें पाकर भी न पा सका। तुम मुझे जो भी दंड देना चाहे दे दो माँ, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दो मेरी माँ। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। भैया ने तुम्हारा प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। हाँ मंगला देवी जी, अब मुझे किसी चीज का भय नहीं रहा। अब मैं भयमुक्त हो चुका हूँ। हुजूर इंद्र डाकू मंदिर में है। हुजूर का मोतो मंदिर में चक्कर दोच ले? नहीं, जहां तक मुमकिन होगा मंदिर में पुलिस नहीं जाएगी। हम मंदिर की मर्यादा भंग नहीं करेंगे। होशियार इंदर हथियार डाल दो। इंदर हथियार डाल चुका है इंस्पेक्टर साहब। शाबाश मंगला देवी, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। अब तुम्हें 10,000 नगद इनाम मिलेगा। मुझे तो बस एक ही नाम चाहिए, इंदर को अभयदान दे, नेक इंसान बनकर नई जिंदगी बिताने का मौका दे। हम तो कायदे कानून के गुलाम हैं मंगला देवी। इंदर का फैसला तो अब अदालत ही करेगी। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपसे एक अर्ज है, मुझे 10 घंटों की मोहलत दीजिए, वरना ये मेरा समर्पण पश्चाताप अधूरा रह जाएगा। सुबह होने से पहले ही मैं अपने आप को आपके सुपुर्द कर दूंगा। ये नामुमकिन है इंस्पेक्टर साहब। मैं समझा देती हूँ, मैं तब तक आपके कब्जे में रहूंगी जब तक इंटर लौट कर नहीं आ जाता। इसे अपनी अंतर आत्मा की बात पूरी करने का मौका दीजिए। ऐसे मुजरिम की जमानत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे कहने से अपनी जिम्मेदारी पर मैं इसे मोहलत देता हूं। धन्यवाद। क्या लूटोगे?
तुमने मेरी मंगला को मुझसे छीन लिया, मेरे मन की शांति, मेरे जीवन का सुख चैन सब छीन लिया। अगर अब भी मन न भरा हो तो लूट लो सब जो लूट सकते हो। आज मैं कुछ लूटने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा लूटा हुआ सब लौटाने आया हूँ। तुम्हारी मंगला, तुम्हारे जीवन की शांति, सुख चैन, मंगला में दोष है, यकीन मानो। मंगला निर्दोष है, लेकिन वो है कहाँ? है, चलो मेरे साथ। ये लो मंगला देवी, संभालो अपना मदन। नहीं मंगला, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मंगला, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण तुमने बहुत कुछ झेले हैं। ऐसा मत कहो। ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा प्रायश्चित हो गया, अब मैं शांति से फांसी के फंदे पर झूल सकूंगा। मंगला, मेरा बेटा कहाँ है? अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है। हाँ? बेटा को पाके कितनी खुशी होगी, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अच्छा, आप घर चले। चलो। क्या बात है काका, क्या हुआ मेरे काना को? बोलो ना काका, क्या हुआ काना को? माँ की गोश। हाँ, तुम्हारा की गोश तो है मेरे लिए। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे मुन्ने राजा? देख, देख बेटा मेरी तरफ देख, मैं तेरा पिता हूँ। हाँ मुन्ना, देख, मैं तेरे पिता है। तू बात तो पिता का करता था ना? अरे क्या हुआ, तू बोलता क्यों नहीं? काका, क्या हुआ मुन्ना को? बगिया में खेल रहा था बेटी, नाग ने डस लिया, झाड़ फूक कराई, जहर भरा लगाया, लेकिन सब लोग एक ही बात कहते हैं, वही नाग आकर विष को चूस ली। नहीं तो नहीं, इससे मुझसे छीन कर कोई नहीं ले जा सकता। यमराज भी नहीं, भैया करोली वाली का पटान है ये। मंगला, अब मुन्ना हमारा नहीं रहा, ये हमसे रूठ गया है। नहीं, इसे मैं अपने से अलग नहीं होने दूंगी। वाह वाह मैया वाह, खूब लीला रचा रही है तू। पति से मिलाया तो बेटे को छीन लिया। नहीं मैया नहीं, तेरी दुआएं सुन ले, तेरे दरबार में ऐसा अन्याय नहीं होगा। रुक जाओ, तुम मरे बच्चे को लेकर मंदिर में नहीं जा सकती, इसे शमशान में लेकर जाओ। ठीक है, अगर मैं मंदिर में नहीं जा सकती तो करौली वाले भैया को खुद चलकर यहाँ आना होगा। Yeah.
कैसा न्याय तेरा, ये कैसा न्याय, ये कैसा न्याय तेरा, ये कैसा
क्या बेटा, ये तेरे पिताजी हैं। मेरा मुन्ना राजा। ये ठीक कहता था ना माँ, पास से पिता होता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, माँ से क्या होता है? माँ करोली वाली। अच्छा चलो पीते चले, भैया की दर्शन करें। आओ Thank you.